बारहवें क्वेश्चन की बात करते हैं। बारहवा क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, 12th नंबर का, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, ठीक, दो समांतर श्रेणियां जो दी हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उनका सर्वांतर समान है यदि वे 100वे पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वे पदों का अंतर कितना होगा। अधिकारी क्या कह रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग उसको डीपली और ज्यादा डिफिकल्ट तरीके से मत लीजिए। देखो मैंने आपसे क्या बोला था कि आप लोगों से बोला गया है उसके 100वे पदों का अंतर समान है, आप लोगों को दो श्रेणियां जैसे कि मैंने ले दी कि ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी और अंत वाला क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, यही तो होता है ना, वन 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 करके एन माइनस वन जो लास्ट वाला पद होता है वही करके चलते हैं कि चलते चलते हैं ना, एक पद एक श्रेणी हो गई, दूसरी बी बी प्लस डी बी प्लस टू डी इसी प्रकार ऐसे ऐसे करके चलेगा तो b प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब क्या कह रहा है आप लोगों से, 100वे पद का अंतर पूछ रहा है, तो 100वे पद का अंतर 100 है तो भाइयों 100वे पद का मतलब सीधा सीधा मतलब होगा a प्लस 99 डी a प्लस 99 डी और दूसरी वाली श्रेणी b और अंतर पूछ रहा है तो b माइनस 99 डी हो जाएगा, फिर माइनस यदि प्लस होगा भी तो माइनस का मल्टीपल पढ़ाई करोगे ऐसा हो जाएगा, 100वे पदों का अंतर 100 है, ठीक है, कैसे होता है 100वे पदों का अंतर 100 देख ही लेते हैं भाई, इसको यदि आप कॉमन लेते भी हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि आप कॉमन लेते हो a प्लस 99 डी a माइनस b माइनस 99 डी तो अब आप लोगों का a माइनस b फाइनली बचने वाला है क्योंकि d तो d उड़ जाएगा ना, ये प्लस वाला a माइनस b बचेगा, a माइनस b आप लोगों का कितना दिया है 100। सेम कंडीशन आप लोगों को पूछ रहा है 1000वे पद में, तो भाई ये 1000वे पद में भी क्या कोई मतलब मंत्र थोड़ी ना पढ़ने वाले, सेम कंडीशन वो वहीं पर है और आप लोगों से क्या कह रहा है 1000वे पद में क्या होगा, 1000वे पद का अंतर आप लोगों को ज्ञात करना है, अब ध्यान से समझना चीजें बहुत बारीक हैं, 1000वे पद में a प्लस 999 d होगा, होगा अंतर होगा b माइनस 999 d और इसका अंतर हमसे पूछा गया, ये तो चले गए स्वर्ग से धारे, ये बचा a माइनस b, और भाई साहब अभी अभी आपने देखा था a माइनस b का मान 100 था तो भैया 1000वे पदों का अंतर भी 100 ही होगा क्योंकि सर्वांतर 100 है, आपके सामने प्रूफ भी तो है ना, प्रूफ भी यदि आपके सामने दिया गया है तो आप उसको झुटला नहीं सकते, आपके सामने सब कुछ दिया गया है। ओके अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन।